नमस्ते। आज हम बात करेंगे डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। भुगतान के काफी तरीके होते हैं, जैसे नकद भुगतान, मनी ऑर्डर, चेक, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड और बहुत सारे। आज हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार की बैंक हमारी जरूरत के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्ड देती है, लेकिन मूल रूप से ये कार्ड केवल दो ही तरह के होते हैं। पहले प्रकार के कार्ड को हम प्रीपेड या डेबिट कार्ड कह सकते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के कार्ड को पोस्टपेड या क्रेडिट कार्ड कहा जा सकता है। ज्यादातर बैंक खाता धारकों के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने की विलासिता देते हैं। चलिए डेबिट कार्ड के बारे में बात करते हैं। यह नकद भुगतान के लिए एक विकल्प है। यह कार्ड एक बैंक खाते के खिलाफ जारी किया जाता है। जब भी कोई भुगतान कार्ड के उपयोग से किया जाता है, राशि बैंक खाते से कार्ड दी जाती है। तो अगर आपके बैंक खाते में पर्याप्त राशि मौजूद नहीं है, लेन देन असफल हो जाएगी, तो आप एक डेबिट कार्ड कैसे प्राप्त करेंगे? पहला पद है एक चेकिंग खाता या बचत खाता खोलना। इसके लिए आपको बैंक जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपके पास चेकिंग खाता या बचत खाता पहले से ही है, तो इस पद की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा पद है डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना। इस खाते के खिलाफ आप डेबिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा पद होता है पिन सेट करना। कुछ बैंकों में पहले से ही पिन सेट किया रहता है, तो आप उन्हें बदल सकते हैं। तो चलिए अब क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करते हैं। यह भी नकद भुगतान के लिए एक विकल्प है। यह कार्ड आपकी आय और मौजूदा नौकरी प्रोफाइल का विश्लेषण करने के बाद बैंक द्वारा जारी किया जाता है। जब भी कोई भुगतान कार्ड के उपयोग से किया जाता है, राशि बैंक से आपके द्वारा उधार ली जाती है और विक्रेता को भुगतान किया जाता है। महीने के अंत में सभी खर्चों का बिल आपके घर भेज दिया जाता है, जिसे आपको समय की अवधि के भीतर अदा करना पड़ता है। एक उच्च सीमा है राशि की, जहां तक आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर प्रति महीने लेन देन कर सकते हैं। यह सीमा का बैंक द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो आप एक क्रेडिट कार्ड कैसे प्राप्त करेंगे? क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना डेबिट कार्ड से थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। आपको दस्तावेजों के साथ बैंक जाना पड़ेगा, जिसमें आपकी आय बयान का उल्लेख है। यह देख के बैंक एक निर्णय लेगा और आपके लिए एक योजना बनाएगा। कुछ योजनाओं के उदाहरण है सावधि जमा यानी FD खाते के खिलाफ, एक स्थिर वेतन भोगी नौकरी के सबूत के खिलाफ। तो आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग कैसे करेंगे? ज्यादातर खुदरा दुकानें कार्ड स्वीकार करते हैं। संकेत के लिए नजर रखें, जैसे हम इस छवि में देख सकते हैं। अगर दुकान कार्ड स्वीकार करता है, तो बिल भुगतान में कार्ड कोषपाल को दीजिए। अगर कार्ड में पिन है, तो उसे दर्ज कर दीजिए। इससे आपका भुगतान सफल हो जाएगा।
तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बीच अंतर क्या है? डेबिट कार्ड के लिए यह एक एटीएम से नकदी निकालने के लिए एक एटीएम कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड के लिए यह भी एक एटीएम कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लेन देन की फीस बहुत अधिक होती है। डेबिट कार्ड के लिए एक लेन देन करने के लिए पहले से ही जुड़े बैंक खाते में पैसा होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड में आपको लेन देन की राशि बैंक को बाद में भुगतान करनी पड़ती है। तो एक डेबिट कार्ड आखिरकार दिखता कैसा है? इस छवि में हम डेबिट कार्ड की सामने की छवि देख सकते हैं। इस लाल बक्से में कार्ड नंबर लिखा हुआ होता है। इसमें एक्सपायरी डेट या समाप्ति तिथि लिखी हुई होती है। इसमें आपका नाम लिखा हुआ होता है। डेबिट कार्ड पीछे से ऐसा दिखता है और इस गोलाकार के अंदर CVV लिखा हुआ होता है और यह काला पट्टी चुंबकीय पट्टी होती है। क्रेडिट कार्ड भी डेबिट कार्ड जैसा ही दिखता है। इसमें भी कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि, आपका नाम, चुंबकीय पट्टी एवं CVV होती है। कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड में इसको छोड़ के एक EMV चिप भी होता है। देखभाल के साथ इन कार्ड को संभालना चाहिए। पिन, OTP और अन्य गोपनीय जानकारी किसी भी समय किसी के साथ भी मत बांटिए। समय सीमा के अंदर क्रेडिट कार्ड का बिल भर दीजिए। किसी भी परिस्थिति में अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड मत खोइए। अगर आप कार्ड खो भी देते हैं, तो बैंक और पुलिस थाने तुरंत रिपोर्ट कीजिए। मैं आशा करता हूँ इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड ये आपके बहुत काम आएंगे। धन्यवाद।